खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तीन तलाक बिल लोकसभा में आने वाला है। वंदना चौहान जी, एनसीपी सांसद, हमारे साथ में है। मैम, तीन तलाक इससे पहले भी दो बार जो है पास हुआ, लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हुआ। एनसीपी का क्या स्टैंड है, समर्थन करेगी इस बार जो है लोकसभा में? तो उनके पास नंबर्स है सरकार के पास, राज्यसभा में नहीं है। किसी ने भी देखा इस सिटीजन्स ने, तो ये पता चलेगा, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ है कि इट इज वॉइड। अगर किसी ने ट्रिपल तलाक दी तो वो वॉइड है। अब आपका जो लेजिस्लेशन आया है, बिल आया है, उसमें अगर देखे तो लेडी को क्या संरक्षण आप दे रहे हैं? वो आदमी को जो ट्रिपल तलाक बोलेगा उसको जेल में आपने भेजा, तो लेडी की मेंटेनेंस कौन करेगा, बच्चों की मेंटेनेंस कौन करेगा, उनको घर कैसे वो रखेंगे, उनके इन लॉज, ये सब बातें भी उसको हमने सोचनी चाहिए। और सेंडिंग हिम इन जेल इज नो सोल्यूशन, और मुझे लगता है इट इज नॉट कॉल्ड फॉर एट ऑल। इनफैक्ट ये तो इनजस्टिस हो गई महिलाओं पे। तो मैम, क्या मौजूदा स्वरूप में इस बार भी जो अभी बिल का मौजूदा स्वरूप है उस बिल अभी भी समर्थन नहीं कर रहे हैं? इससे पहले भी तीन तलाक बिल जब लोकसभा में पेश हुआ, दो बार पास हो गया, इस बार भी उम्मीद है पास हो जाएगा? बिल्कुल पास हो जाएगा, इस बार राज्यसभा के लोग भी पास करेंगे। जो देश की मुस्लिम महिलाएं हैं उनके हित में ये बिल है और निश्चित तौर पर पास हो जाएगा। लेकिन सर, राज्यसभा में कई पार्टियां ऐसी हैं जो अभी भी अपने पुराने रुख पर कायम है, यानी कि स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, उसमें जो है साफ तौर पर यही मांग करी, तो ऐसे में तो फिर राज्यसभा में अटक जाएगा अगर लोकसभा से पास भी हो जाएगा तो? मुझे नहीं लगता है कि इस बार कुछ इस तरह की व्यवधान पैदा करने की कोशिश लोग करेंगे, करना भी नहीं चाहिए और इसको पास करना चाहिए महिलाओं के हित के लिए। मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और वो बार बार प्रयास कर रहे हैं बाकी पार्टियों को राजनीति से हटकर इस प्रकार के जो बिल आते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, उसे समर्थन करना चाहिए और राज्यसभा में इसे जरूर समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जिन महिलाओं को तीन तलाक के घटनाओं से गुजरना पड़ता है उनकी पीड़ा को शायद वही समझ पाती है। लोकसभा से दो बार पहले पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में आके अटक गया था, इस बार उम्मीद है कि कहीं से पास हो पाएगा राज्यसभा से? प्रधानमंत्री जी जो कोशिश कर रहे हैं, हम उस कोशिश को सलाम करते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। लोकसभा में आप लोग ये तीसरी बार तीन तलाक बिल लेकर आ रहे हैं, वहाँ तो नंबर है, पास हो जाएगा सनी से? बिल्कुल पास हो जाएगा, पहले भी हुआ है, बट राज्यसभा में भी अटक गई थी। बट लेकिन इस बड़ी जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है, इसके बाद कम से कम इन विपक्षी दलों को सबक लेनी चाहिए। जो पूरे विश्व में, इस्लामिक देशों में जो ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बैंड है, कहीं भी इसको लेकर किसी देश में, इस्लामिक देश में यदि इसके लिए कोई मान्यता नहीं है, तो भारत में क्यों इसको मान्यता होनी चाहिए? ये राजनीतिक दल मुस्लिम महिलाओं की संवैधानिक अधिकारों की छीनने की साजिश कर रहे हैं, इसके लिए उनको बिल्कुल जनता सजा देगी। राज्यसभा में तो अभी भी आपके पास नंबर नहीं है, लोकसभा से पास हो भी जाएगा फिर यहाँ अटक जाएगा, क्योंकि विपक्षी दलों का रुख वही पहले वाला है। लेकिन पहले जो बिल, बहुत सारे बिल पहले अटक गए थे, आपने देखा है पिछले 15 दिन में, या जैसे सत्र शुरू हुआ तब से लगभग सभी बिल पास हो गए हैं। इस बार उन पर दबाव बनेगा, ये पारित हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रदीप भट्टाचार्य, कांग्रेस के सांसद। सर, तीन तलाक बिल लोकसभा में पेश हो रहा है, सरकार उम्मीद कर रही है पास हो जाएगा, वहाँ तो नंबर है, राज्यसभा में क्या होगा? नहीं, राज्यसभा में आ जाएगा तो हम लोग तो सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए शोर उठाएंगे। ऐसा तरीका से बिल पास नहीं होना चाहिए। हम लोग का मांग स्पष्ट है, हम लोग सरकार पक्ष को एकदम जनान कर दिया गया, बोल दिया गया, जो इम्पोर्टेंट बिल है वो बिल स्टैंडिंग कमेटी के भेजो, स्टैंडिंग कमेटी नहीं रहे तो सिलेक्ट कमेटी के भेजो, लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी होना चाहिए। मतलब आप लोग जो है इस बार भी पास होने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो जो है सरकार के पास में नंबर है नहीं, नहीं होने के लिए, पास नहीं होने के लिए जो कोशिश उठाना जरूरी है हम लोग उठाए। क्या आपत्ति क्या है, क्योंकि वो सरकार कुछ है नहीं, लेकिन स्कैनिंग होना चाहिए, लेजिस्लेटिव स्कैनिंग, ले बिल का खिलाफ के लिए बात नहीं, बिल पास होगा कि नहीं होगा अलग बात है, बिल का जो इंटरनल अरेंजमेंट है उसका विरोध मैं नहीं करता है, लेकिन मैं विरोध करता है जो तरीका से बिल आ रहा है, जे तरीका से बिल पास कराने के लिए ये सरकार जो
कानून है, कानून को बुलडज करता है, उसका अगेंस्ट हम लोग का। साफ तौर पर प्रदीप भट्टाचार्य कांग्रेस सांसद, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से बिल लाया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी में भेजे जाने की फिर से मांग करेंगे। और ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि विपक्ष अभी भी अपनी पुरानी मांग पर अड़ा हुआ है कि बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए। और ऐसे में सरकार के लिए लोकसभा से तो बिल पास करवाना आसान है क्योंकि वहां पर उनके पास नंबर है, लेकिन राज्यसभा में चुनौतियां बड़ी हैं। कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।